हमारा ब्रेन जो है वो करेक्ट होने की कोशिश करता है हमेशा, मीन्स हम जो इसको फीड करते हैं उसको करेक्ट साबित करने में अपनी पूरी एफिशिएंसी लगाता है, क्योंकि गलत होना ब्रेन के मैकेनिज्म में नहीं है, वो मतलब एनर्जी का एफिशिएंट यूज़ नहीं है, ब्रेन यूजेस अ लॉट ऑफ एनर्जी टू फंक्शन, है ना। सो ब्रेन जो भी हम सोचते हैं उसको सही प्रूव करने की पूरी कोशिश करता है। अगर आपको लगता है कि आप सैड हैं, आप डिप्रेस हैं, तो ब्रेन पूरा एविडेंस देगा आपको कि हाँ आप सैड हैं। अगर आपको लगेगा आपको कोई इलनेस है तो ब्रेन आपको एविडेंस देगा। क्रॉनिक पेन में हमें लगता है कि हमारी बॉडी ब्रोकन है, हमें कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, तो ब्रेन हमें एविडेंस देता है कि हाँ आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्रेन ट्राइज टू बी करेक्ट ईच एंड एवरी टाइम। तो जो भी हम जाने अनजाने इसको इनपुट दे रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं अपने बारे में, अपने साथ हम जो बातें करते हैं वो मैटर करती हैं। आप सोचते हो कि मैं ऐसा हूँ या मुझे ये है, मुझे वो है, मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, तो वो मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि ब्रेन की पूरी कोशिश होती है। तो आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है, हीलिंग को अपनी लाइफ में प्लेस देना है, यू वांट टू हील, तो आपको हीलिंग के बारे में सोचना है, ना कि इलनेस के बारे में। आपको ये नहीं सोचना है कि व्हाट कैन गो रॉन्ग, आपको ये सोचना है कि व्हाट कैन गो राइट। तो आपको उसी डायरेक्शन में अपने सारे एंडेवर, अपने सारे एफर्ट लगाने हैं, हीलिंग के बारे में सोचना है, पॉजिटिविटी के बारे में सोचना है, अपने आप को इमेजिन करना हील होते हुए, सभी एक्टिविटीज़ करते हुए और लाइफ को जॉयफुली जीते हुए, तो ब्रेन आपको एविडेंस देगा उसी चीज़ की। अगर आपको आप सोचेंगे कि यू आर वेल, यू आर हेल्दी, आपकी बॉडी में कुछ भी गलत नहीं है, तो ब्रेन आपको उसका एविडेंस देगा। बहुत छोटी सी बात है, बट इट विल चेंज योर लाइफ, ट्रस्ट मी।